Hello everyone, Sat Sri Akaal, Adab, Namaskar and welcome to Desi Goonj. Aap sabhi ka Desi Goonj channel par hardik swagat hai. Aaj hai 25 June aur aaj hi ke din san 1924 mein janm hua tha ek aise kalakar ka, ek aise musician ka jinke bare mein Khayyam sahab ka kehna hai ki wo sangeet ke betaj badshah the. उन्हें संगीत की सभी विविधताएं, सभी बारीकियां, ये सब उन्हें बहुत अच्छे से इन सब की समझ थी और ज्ञान था. हालांकि उन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक या लाइट म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग कभी नहीं ली. ये वो इंसान थे जिन्हें लता मंगेशकर जी ने गजल का बादशाह का खिताब दिया था. ये वो म्यूजिशियन थे जिनकी धुने उनके जाने के 30 साल बाद फिल्म वीर ज़ारा में यूज हुई और उन्हें आईफा बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला. अनफॉर्चुनेटली उनके जीते जी उन्हें वो सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसके कि वो हकदार थे. लेकिन ये जो म्यूजिशियन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा मेलोडियस, इतने ज़्यादा हमें नगीने, इतने ज़्यादा हमें हीरे दिए हैं बॉलीवुड में कि जिसका का कोई हिसाब ही नहीं. जी हाँ, बात कर रहे हैं वन एंड ओनली लेजेंडरी म्यूजिशियन कंपोजर मदन मोहन जी की. मदन मोहन जी की याद में जुड़ी इस महफिल में आप सभी का स्वागत है एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता. तो ये जो आपने वीडियो क्लिप देखा, मैं पहले डिस्क्लेमर डाल देती हूँ कि ये हम आपको बहुत से वीडियो क्लिप्स आज के शो में दिखाने वाले हैं और ये एक पर्सनल कलेक्शन है डॉक्टर संगीता माधो सिमोल्ट की जिनसे हमने ये परमिशन ली है और कि थोड़ा लाइव शो में हम ये दिखा सकते हैं. सो द क्रेडिट गोज टू जो जिन्होंने ये सब बनाया है एंड थैंक यू डॉक्टर संगीता, जिनसे हम बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स लेकर आई हैं आज इन अ लिटिल वाइल. मदन मोहन जी वॉज एक्चुअली बॉर्न एज मदन कोहली और उन्होंने अपने नाम के साथ मोहन तब लगाया व्हेन ही डिड इट फर्स्ट as an like, independent music composer for the film Aankhein in 1950. और ऐसा नहीं था कि उन्हें शुरू से ही म्यूजिक का शौक था. आई बिलीव ही वॉज अ काइंड ऑफ अ रेबल इन द व्हेन ही वॉज यंग. और जब उनकी फैमिली मुंबई शिफ्ट हुई तो उनके जो नेबर्स थे वो थे खुद जद्दन बाई जी, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही फेमस गायिका रही अपने समय की, नरगिस जी की मदर थी. तो मदन मोहन जी उनके घर जाके चुपके से कर्टन के पीछे से उनके गाने सुनते थे एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हर एंड ही गॉट सो इन्वॉल्व्ड एंड सो ही स्टार्टेड लाइकिंग म्यूजिक सो मच. नरगिस जी से दोस्ती हुई, राज कपूर जी भी आते जाते रहते थे, वो अच्छे फ्रेंड्स बन गए और सुरैया जी का भी मकान आसपास ही था. सो दे ऑल वर वेरी गुड फ्रेंड्स और मदन मोहन जी, राज कपूर जी और सुरैया जी ऑल इंडिया रेडियो पर चिल्ड्रन सॉन्ग भी गाया करते थे. सो दिस इज हाउ his journey in music started. और हम तो सभी जानते हैं कि उनके जो वो संगीत जो देते थे संगीत, तो हर एक जो लिरिक्स का एक एक वर्ड था
उसका मीनिंग क्या उभर के सामने आता था. ब्यूटिफुल.